लोकायुक्त कोर्ट के डीएसपी वीरेंद्र सागवान की टीम ने नगर पालिका स्माल का कार्यालय में छापा मारकर रिकॉर्ड को जब्त किया। लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल ने लोकायुक्त एक्ट 2002 की धारा 15 के तहत सर्च वारंट जारी कर रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 2015 में लोकायुक्त को तत्कालीन चेयरपर्सन के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और घपलों की शिकायत दी थी। ये मैंने लोकायुक्त के अंदर जो है नगर पालिका समालखा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं पिछली चेयरमैन के कार्यकाल में, नौकरी 13 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला किया गया है। इसके अलावा जो ठेके जो दिए गए उस टाइम जो है उसके अंदर बड़ा भारी घोटाला किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी हुई थी, जिसकी इंक्वायरी हो चुकी है और जिसमें जो है एसडीएम समालखा ने इंक्वायरी करके इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के अपनी रिकमेंडेशन कर रखी है। तो पिछली डेट के ऊपर जो है इनको बुलाया गया था नगर पालिका के सचिव को सारा रिकॉर्ड लेकर आने के लिए वहाँ पर लोकायुक्त में, लेकिन ये वहाँ पर रिकॉर्ड लेकर नहीं पहुँचे। तो वहाँ पर माननीय लोकायुक्त ने एसपी लोकायुक्त को जो है एसपी लोकायुक्त को आदेश दिए कि यहाँ पर इनके सर्च वारंट जारी करके इनकी तलाशी लेकर तमाम जो इस केस से संबंधित रिकॉर्ड है वो वहाँ पर पेश किया जाए। अब 14 मार्च की जो है वहाँ पर डेट है, पेशी है वहाँ पर अगले हफ्ते, तो ये वहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड ले जाना है क्योंकि ये सारा इंक्वायरी हो चुकी है। अब फाइनल स्टेज पे इस पर किसी भी टाइम आदेश के लिए लगा हुआ है वहाँ पर जाइए। ये कब शिकायत आपने करी? ये शिकायत मैंने दो मैन थी, इसमें सुमित्रा शर्मा के खिलाफ और जो एम ई जसवंत सिंह, जेज नवीन कुमार के खिलाफ सरावत और कुछ और कर्मचारियों के खिलाफ जो है आरोप सिद्ध पाए गए थे। किस तरह के आरोप थे? इसमें इन्होंने किया यहाँ पर जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई, और इसके अलावा इन्होंने 2,80,00,000 रुपए के इन्होंने टेंडर जारी कर दिए अपने चहेते ठेकेदारों को बिना प्रक्रिया को अपनाए हुए गुपचुप तरीके से जो है उसमें धांधली करी गई। उसमें पहले इन्होंने जो चेयरमैन था और जो सेक्रेटरी वगैरह और जो जेई और एमई इन्होंने 9,82,000 रुपए की रिश्वत ले ली थी पहले से जो है। तो ये सारा रिकॉर्ड है इसके अंदर जो है ये धांधली।